नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीएससी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है कौशल कुमार सारस्वत, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स एट टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म। मेरे साथियों, यहाँ पर जो भी हम इन्फॉर्मेशन आपको देंगे वो कम्प्लीटली एकदम वैलिड इन्फॉर्मेशन है। एचपीएससी का जो नोटिफिकेशन है आप उसमें देख सकते हो, और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो आपको प्रीवियस एग्जाम जो आपके हुए हैं उनसे आपको पता लगेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए मैं उन सारे इन्फॉर्मेशन को इस कंप्लीट वीडियो में लेकर के आया हूँ। मैक्सिमम 10 मिनट की ये वीडियो है। इस वीडियो में आप देखेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स रहे होंगे वो सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मेरे साथियों, एचपीएससी ने अभी जो आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर निकाला है इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है, लगभग 3,900 के समथिंग आपकी वैकेंसी है इसमें। अगर मैं बात करूँ अलग अलग सब्जेक्ट की, तो आपके 8 सब्जेक्ट को लेकर के, आपके साइंस सब्जेक्ट को लेकर के लगभग, अगर मैं ऑन एन एवरेज की बात करूँ तो हर सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, क्योंकि मैं प्रॉपरली फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो 436 वैकेंसी, 436 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ पीजीटी फिजिक्स के लिए यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। इन वैकेंसीज को 2 भागों में इन्होंने विभाजित किया हुआ है, एक जिसमें हरियाणा कैडर जिसको बोला गया है, और दूसरा जिसमें मेवात कैडर इन्होंने बोला है। ठीक है, तो मेवात कैडर में तकरीबन 40 के समथिंग वैकेंसीज हैं, या 36 हैं आई थिंक तो, एंड जो अदर वैकेंसीज हैं वो हमारी हरियाणा कैडर के लिए, जिसमें अलग अलग बहुत सारी कैटेगरीज इन्होंने भी डिफाइन कर रखी हैं, जैसे कि आपका जनरल कैटेगरी हो गया, ओबीसी हो गया, ओबीसी में भी आपकी 2 कैटेगरी इन्होंने दे रखी हैं, एससी एसटी ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, फिजिकल हैंडीकैप्ट हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारी कैटेगरीज में इन्होंने वैकेंसीज को भी निकाला है, और उसमें प्रॉपर वे में आपके नोटिफिकेशन में दिया है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि किस कैटेगरी में, फिजिक्स में और अदर सब्जेक्ट में क्या क्या वैकेंसीज हैं। इस इंफॉर्मेशन के आप मेरी पहली वीडियो को जाकर के देख सकते हो इसी चैनल पर। मेरे साथी, यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे कि मैंने अभी आपको अपने बारे में बताया कि मेरा नाम है कौशल कुमार सारस्वत। मेरे साथी, सितंबर 2021 में मैंने यूपी पीजीटी फिजिक्स, जो कि एक सिंपल मैनेजमेंट का एग्जाम होता है, हालांकि वो गवर्नमेंट जॉब होती है, दूसरा यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है बिल्कुल वैसे ही उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस में पीजीटी की वैकेंसीज निकालता है, उनका भी प्रोसीजर बिल्कुल सेम एज हरियाणा एचपीएससी के जैसा ही होता है। उसमें भी आपके 3 प्रोसेस वहां पर होते हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू। उसी तर्ज पर मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें बताऊंगा, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पर रहा है उसी के आधार पर आपको सारी चीजों को बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको यहां पर मेंस के लिए अपना टारगेट बनाना है, इंटरव्यू के लिए आपको टारगेट बनाना है, और प्रीलिम के लिए आपको क्या करना होता है। इन सभी बातों को लेकर के मैं यहां पर आज एसपीएससी को लेकर के फोकस करने वाला हूं। मेरे साथी, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपकी लास्ट डेट को लेकर के, क्योंकि मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अपने जो फॉर्म है उसको फिल नहीं करते हैं और इंतजार करते हैं उस लास्ट डेट का, और फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम, सर्वर प्रॉब्लम या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं कि जहां पर फिर आपको टेंशन होने लगती है कि यार मेरा फॉर्म फिल नहीं हुआ है। तो मैं आपसे यही बात आपसे बोलना चाहूंगा कि आप जितना जल्दी आपसे हो सकता है आप अपने फॉर्म को सबसे पहले फिल कर दीजिए। मेरे साथियों, 14 अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट है, रात को 12 बजे तक, हालांकि आपको यहां तक पहुंचना नहीं है। इसके बाद में सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेप फर्स्ट, जिसको हम प्री एग्जाम के नाम से जान रहे हैं। मेरे साथी, प्री एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 100 मार्क्स के ये क्वेश्चन हैं। इन मार्क्स को 2 कैटेगरी में इन लोगों ने डिवाइड किया है, 80 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस। 80 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सब्जेक्ट कंसर्न से रिलेटेड, अगर आप फिजिक्स से हैं, मैथ से हैं, केमिस्ट्री के हैं, तो उसी सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साइकोलॉजी एंड अदर जनरल अवेयरनेस, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपके 20 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलता हूँ कि इन 80 क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा, तो 80 क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बहुत ही नाइस लेवल रहता है। मैं आपसे एक बात फिर से बोलूंगा कि यहाँ पर 9th से 12th नहीं पढ़ना, आपको 11th से ग्रेजुएशन पढ़ना है, तो 11th 12th का बेसिक और ग्रेजुएशन का आपको अच्छा मॉडरेट लेवल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम का प्रीलिम जो है वो क्वालिफाई कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं इससे पहले बताना चाह रहा था कि लास्ट डेट आपकी है, लेकिन इसके एप्लीकेशन के लिए आपके पास में एचटेट क्वालिफाई होना आवश्यक है।
आपके पास में एच टेट मस्ट है क्वालिफाइड, ठीक है ना, मस्ट क्वालिफाइड, ठीक है ना, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। यानी कि आप एच टेट पीजीटी क्वालिफाई होंगे तभी आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड द एच टेट तो आपको एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एच टेट क्वालिफाई करना है, आपके पास में सर्टिफिकेट है तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं। प्रीलिम जैसे कि मैंने आपको बताया 80 आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आपका रहेगा उसके साथ 20 जैसे कि मैंने आपको बताया। ड्यूरेशन जो रहेगी यहाँ पर आपकी 2 आवर्स की ड्यूरेशन रहेगी मेरे साथ ही, और मिनिमम 25% लाना अनिवार्य है। जैसे कि मान लो आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको 25 नंबर इसमें लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इनकी वेकेंसी सपोज दैट 400 है और मान लो सिर्फ 300 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 25 से अबव हैं तो उन सबको ले लिया जाएगा। और अगर मान लो 1000 बच्चे 25 नंबर से ऊपर चले जाते तो फिर वहां पर वो मेरिट लगाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। यहां पर नेगेटिव मार्किंग जो है सर वो आपकी 1/4 की रहती है। इसके बाद में हम लोग मेन्स पे आते हैं। मेन्स में जो भी स्टूडेंट आपके होते हैं वो 4 टाइम्स आपकी वेकेंसीज का बुलाए जाते हैं, ठीक है। आपके वहां पर मेरिट लग जाएगी। मेंस में जो भी स्टूडेंट होंगे वो 4 टाइम्स ऑफ योर वैकेंसीज होते हैं। कितने भाई? 4 टाइम्स आपकी वैकेंसीज का यहां पर स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। ये पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब आप समझते हैं, आपको पेन पेपर से लिखना है प्रॉपर वे में। आपको एक कॉपी मिलती है और वहां पर आपको लिखना है। वहां पर जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो शॉर्ट और लॉन्ग आते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग को वर्ड्स में डिफाइन किया जाता है कि अगर आपका लॉन्ग है तो उसको 700 और 500 और 1000 वर्ड्स में आपको वहां पर लिखना है, और शॉर्ट है तो 250 वर्ड्स और 250। इस तरीके से वो अकॉर्डिंग टू मार्क्स उनके वर्ड्स को भी वो डिफाइन करते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग में आपकी डेफिनेशन आपसे बेसिकली पूछी जा सकती हैं, आपसे न्यूमेरिकल्स प्रॉपर वे में पूछे जाते हैं, और आपसे डेरिवेशन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में किसी भी सब्जेक्ट में आप लोग जो पीजीटी दे रहे हैं उसकी एक स्पेसिफिक नॉलेज होना बहुत ही लाजमी है। 150 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर आता है जिसकी ड्यूरेशन आपकी 3 आवर्स रहती है, ओके। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 35%। अगर आप मेंस में बैठते हैं आपकी वेकेंसीज का 4 गुना आपको बुलाया जा रहा है। अगर फिजिक्स में 450 वेकेंसी तो लगभग 1800 बच्चे ये आपको मेंस में क्वालिफाई करेंगे। तो उन 1800 बच्चों का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 35% होना ही चाहिए। अगर फिर से वही बिल्कुल प्रीलिम जैसी बात है, अगर मान लो बच्चे 1800 से ज़्यादा बच्चे 35 से ऊपर जाएंगे तो वो मेरिट लगा देंगे, और अगर मान लो उनको बच्चे सिर्फ 600 बच्चे ही मिल रहे हैं जिनके 35% से ऊपर हैं तो सिर्फ उनको 35% पर ही वो मेरिट लगा देंगे। अगर वेकेंसी 450 और सिर्फ 200 बच्चे 35% से ऊपर हैं तो वो 200 बच्चे ही लेते हैं, उनके लिए ये मायने नहीं रखता है। ऐसा यूपी जीआईसी पीजीटी फिजिक्स सितंबर 2021 में देखा गया कि 98 वेकेंसी थी और फाइनली सिलेक्शन सिर्फ 48 स्टूडेंट्स का हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि बाकी के 50 स्टूडेंट का वैकेंसी जो है वो खाली चला गया था, ठीक है। इसके बाद में एंड फाइनली वी आर कम ऑन द लास्ट स्टेप, दैट इज द इंटरव्यू स्टेप। मेरे साथी इंटरव्यू में आपका 87.5% आपका मार्क्स जो है वो मेंस का लगता है और 12.5% आपका टोटल का लगता है। प्रीलिम के जो मार्क्स होते हैं वो आपके इस मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। प्रीलिम सिर्फ क्वालिफाइड होता है, आपको क्वालिफाई करके मेंस में जाना है, उसका कोई यहाँ पर मार्क्स जो है वो ऐड नहीं होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, प्रीलिम्स जो होता है, प्री एग्जाम जो होता है जस्ट क्वालिफाइड होता है, ठीक है ना, ये जस्ट आपका क्वालिफाइड होता है। इसके मार्क्स जो है वो ऐड नहीं होते, इसके मार्क्स जो है नॉट ऐड इन फाइनल मेरिट, नॉट एड इन फाइनल मेरिट। तो ये फाइनल मेरिट में जो है वो एड नहीं होते हैं, ठीक है जी, यस। तो आपको मेंस के बेसिस पर और इंटरव्यू के बेसिस पर आपको किया जाता है, एंड फाइनली यू हैव ए सिलेक्शन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रॉपरली मेहनत करना है। मेरे साथ ही मैं एक वीडियो और लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि आपको कौन से बुक्स को पढ़ना है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। डिस्क्रिप्टिव अगर आपका फिजिक्स का पेपर है तो उसके लिए आप कौन सी सब्जेक्ट को, कौन सी पब्लिकेशंस की बुक्स को आपको फॉलो करना है। थैंक यू सो मच साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो कौशल कूपन कोड जरूर यूज करें जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।